ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मध्य प्रदेश के सभी ट्रांसपोर्ट देवासनाका ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन 3 दिवसीय लॉकडाउन का पूर्ण समर्थन करती है। आपका किस तरह का लॉकडाउन और कितने दिन आपका लॉकडाउन चलेगा? हमारा लॉकडाउन जी मतलब 10 और 11 और 12 3 दिन के लिए है। 3 के लिए आज पूरा लॉकडाउन है। पूरा हमारे ट्रांसपोर्ट कोई ऑफिस नहीं खुला हुआ है, कोई ट्रांसपोर्टर नहीं आए, अपने अपने घरों से ही मतलब बैठे हैं। हम 5-10-20 आदमी एसोसिएशन के अंदर ही आए हैं और ये कल हम हर चेक पोस्ट के ऊपर MP हुई जितने भी चेक पोस्ट है सभी चेक पोस्टों के ऊपर जाएंगे। वहाँ पर हमारी लाइन में ही गाड़ियाँ लग जाएगी। हमको कोई जाम नहीं करना है, कोई गाड़ी रुकवानी नहीं है। अपनी मर्जी से सब गाड़ी वाले ओनर रुके हुए हैं। सब ट्रांसपोर्ट हमारे साथ में, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हमारी इंदौर की 3 ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मेन तीनों साथ में है। बाद में टैंकर यूनियन भी साथ में है। बाद में ऑल MP मतलब 52 डिस्ट्रिक्ट से ही पूरा समर्थन हमारे साथ में है। ये बताइए कि एक जरूरत क्यों पड़ी आपको? हमारी जरूरत ऐसी पड़ी साहब, सबसे मेन तो लॉकडाउन चला हुआ 3 महीने तक गाड़ियाँ नहीं चली हमारी। उनका टैक्स कोई माफ़ नहीं करेगा। जैसे बस वाले भी अभी तक खड़े हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, दोनों दो तीन स्टेटों में मतलब टैक्स माफ़ किया, गुड टैक्स। MP के अंदर कोई टैक्स माफ़ किया। फिर डीजल की वृद्धि MP में और स्टेटों से 7-7 रुपये का डिफरेंस है। अभी तक सबसे मेन दिक्कत ही मतलब गाड़ियाँ बाहर से आ रही है, रेवेन्यू कम हो रहा है MP के अंदर। इतने हरियाणा में 8 रुपये का डिफरेंस है, UP के अंदर 7 रुपये का डिफरेंस है MP से, 2.5 रुपये का गुजरात का है, अपने महाराष्ट्र का भी। जितने बॉर्डर के ऊपर जितने भी अपने स्टेट लग रहे हैं MP से, सभी तरफ से MP स्टेट से कम डीजल की पेट्रोल की खपत कम है। तो आने वाले वक्त में क्या स्टैंड रहेगा? आने वाले वक्त में अगर गवर्नमेंट हमारी अभी नहीं सुनेगी तो हम ऑल इंडिया बेसिस में 1-2 महीना का टाइम देके, अभी क्या है कोरोना काल चल रहा है, सबको परेशानी है, हर चीज़ की मतलब समस्या है। हर ईयर 30% काम रहा है हमें ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्ट के ऊपर इतना भार आ गया है कि मतलब गाड़ियों की किस्त कोई नहीं भर पा रहा है। अगर अगले महीने का मतलब अभी कुछ छूट दे रहे हैं उसके ऊपर, टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट ने छूट दी कि टैक्स मत भरो आप सितंबर तक, उसके ऊपर पलंटी लगा रहे हैं। अब पलंटी गाड़ी वाला कहाँ से देगा, ये हमारी समस्या है जी। अगर नहीं माने तो अनिश्चित काल के लिए 1-2 महीना बाद में ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर हम स्ट्राइक कर देंगे। आपका नाम? मेरा नाम सत्र सिंह भाटी जी, देवासना का ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष।